बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रीमी चिकन पास्ता बेक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आप चिकन ले लीजिए, बोनलेस थाई का या ब्रेस्ट का 1 किलो के करीब। सिरका 2 टेबलस्पून है, सोया सॉस 4 टेबलस्पून है, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून है, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट है 1 टेबलस्पून। बेशमल सॉस बनाने के लिए मक्खन आप ले लीजिए 4 क्यूब्स के करीब, मैदा ले लीजिए आप 4 टेबलस्पून, दूध 2 कप के करीब है, काली मिर्च 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, ओरिगेनो आप 2 टीस्पून के करीब लेंगी। इसमें बाद में मैं मोजरेला चीज़ की 3 से 4 क्यूब्स भी शामिल करूंगी ताकि एक अच्छी सी सॉस बने, और एक वाइट सॉस की भी उसमें बॉटल डालूंगी। पास्ता आप 3 कप्स ले लीजिए, मोजरेला चीज़ 1 केजी के करीब है, और रेड पास्ता सॉस आप 1 कप के करीब लें, और एक बॉटल आप वाइट सॉस की लेके आए। इस रेसिपी के लिए मैं थाई बोनलेस ले रही हूँ, रेडीमेड ही मैं लेके आई थी, सिर्फ उनको छोटी छोटी बोटियों में मैं काट रही हूँ। एक तरफ आप पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिए, एक पैन लीजिए या कढ़ाई जो आपको पसंद है उसमें चिकन डालें। मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाएं। अब आप इनको अच्छी तरह से पका लीजिए चिकन का पानी खुशक होने तक, मैंने इसमें पानी भी कुछ नहीं डाला। और इसको आप अच्छी तरह से खुशक करने के बाद इसमें आप सिरका डालें, सोया सॉस डालें, और आप इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, काली मिर्च है, कुटी लाल मिर्च और नमक, और दोबारा से आप इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएं। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका हुआ है, अब मैं दोबारा से पानी डाल रही हूँ इसको गलाने के लिए। अगर चिकन ब्रेस्ट हो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थाई का है इसलिए इसको मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी इधर उबल रहा है, इसके अंदर आप पास्ता डालें, 15 से 20 मिनट तक आप इसको बॉईल कीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, ना ऑयल ना नमक, और आप इसको हिलाते रहें साथ साथ। अब एक अलग पैन में आप मक्खन डालें, और इसको अच्छी तरह से आप गरम करें, जलाना नहीं है, लो हीट के ऊपर मैदा डाल दीजिए और आप इसको अच्छी तरह से भूनिए 3 से 4 मिनट तक, गोल्डन करेंगे हम इसको। इस तरह से ऐसा होना चाहिए इसका कलर। अब आप इसमें सारे स्पाइसेस डाल दीजिए जो मैंने बताए थे, ओरिगैनो, नमक, काली मिर्च वगैरह, और अब आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है मैदे को स्पाइसेस के साथ। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप ये स्पाइसेस डालें तो आप उसको अच्छी तरह से भूनें ताकि सारी खुशबू उनके अंदर बस जाए खाने के अंदर। अब आप इसमें दूध डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना, एकदम से नहीं डालना वरना ये लंपी सा हो जाएगा और इसमें सारे लम्स पड़ जाएंगे, उसका फिर आपको फायदा नहीं होगा, आपको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर दूध मिलाएंगे, एकदम से नहीं डालना, लो हीट के ऊपर मिलाएं अच्छी तरह से इसको ताकि इसमें लम्स ना आए। इस तरह से अब बाकी का आप दूध इसमें डाल दीजिए और मिलाकर आप इसको 1 से 2 मिनट तक लो हीट पे ही पकाएंगे। ये वाली जो है रेसिपी, इसमें ये जो स्टेप है इसको बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें कोई लम्स नहीं है,
अब आप इसमें मोजरेला चीज़ डालें। बाकी का हमने कद्दूकस करके रख लिया है, अब आप इसको पकाएं। तीन से चार मिनट तक आप इसको दें टाइम, और चम्मच आप मुसलसल हिलाते जाएं, इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे से लग सकता है। चिकन का पानी खुश्क होने के बाद अभी मुकम्मल तौर पर पक चुका है, इसको अब आप एक प्लेट में निकाल लें। सॉस अच्छी तरह से पक रही है और जो मैंने चीज डाला था वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से इसमें मैंने व्हाइट सॉस भी डाल दी हुई है। पास्ता अच्छी तरह से हो गया है बॉयल, अब आप इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लें और इसको एक ठंडे पानी के प्याले में आप डाल दें। इससे कभी भी आपका पास्ता जुड़ेगा नहीं, स्टिक नहीं होगा एक दूसरे के साथ। इस तरह से और इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी में ही आप मिलाकर पड़ा रहने दें, ऐसे इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब लो हीट के ऊपर जो हमने सॉस बनाई है व्हाइट वाली, उसको डालें, चिकन जो था वो डालें बोनलेस, मिला लीजिए इसको। पास्ता निकाल लें, पानी जो उसका एक्स्ट्रा है आप उसको निकाल दीजिए, देखें बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। इन सबको एक अच्छा सा मिक्स दें, हीट बिल्कुल इसकी लो है, इसको पकाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पका हुआ है और मैं इसको बाद में बेक करने के लिए रखूंगी। बस अब आप इसको एक डिश में निकालें जिसमें आपने इसको बेक करना है। पास्ता सॉस डालिए, और इसको सारा ऊपर फैला दीजिए। चीज डालिए, मोजरेला चीज है 1 kg के करीब, ये है कद्दूकस कर लिया था हम लोगों ने इसे। प्री हीटेड ओवन में आप कन्वेक्शन बेक के ऊपर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखें। मैंने ब्रॉयल चलाया था 2 से 3 मिनट तक इसको, ऊपर से इसके हल्के हल्के से बबल्स बनाने के लिए। अब इसको हम देखते हैं कि कैसा बना है क्रीमी चिकन पास्ता बेक। चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। चीज इसमें मैंने सिर्फ मोज़रेला ही यूज किया है,